नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की बात। जी मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों बड़ी खबर निकल गया है भीम आर्मी की ओर से। जी हां, भीम आर्मी राष्ट्रीय प्रमुख उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल को पद मुक्त कर दिया। जी हां, राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह द्वारा एक लेटर जारी किया गया जिसमें भीम आर्मी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल को पद मुक्त कर दिया है। जी हां, उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीम आर्मी को संगठन विरोधी कार्य करने में लिप्त पाए जाने के चलते पद मुक्त किया जाता है। जी हम आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि 7 दिन के अंदर उन्हें अपने द्वारा किए गए संगठन विरोधी कार्य के पक्ष में कुछ कहना हो तो भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी को लिखित में अपना पक्ष रख सकते हैं। जी हां, मंजीत सिंह नौटियाल को 7 दिन का वक्त भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी ने दिया। हम आपको बता दें, इसके पक्ष में भीम आर्मी मंजीत सिंह नौटियाल जी ने कहा है कि कल 7 जून रात्रि 9 बजे महत्वपूर्ण लैब सभी भीम सैनिक धैर्य बनाए रखें, ईमानदार संघर्ष बलिदान कभी बेकार नहीं जाता, बहुजन मिशन के लिए 100 गुना ताकत से अगला कदम मंजीत सिंह नौटियाल जी। हाँ, मंजीत सिंह नौटियाल जी ने लिखा और मंजीत सिंह नौटियाल जी ने आगे लिखते हुए कहा है कि मेरा घर भीम आर्मी, मुझे निकालने की कोशिश इलाज होगा। भीम आर्मी में मेरी ईमानदारी संघर्ष बलिदान पे 24 घंटे काम करने में से भीम सैनिक में बहुजन समाज सहमत है। जी हाँ, यह भीम आर्मी राष्ट्रीय प्रमुख उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि मैं आज यानी 7 जून को शाम को लाइव आऊँगा फेसबुक के एक माध्यम से और उसमें सभी जो उनकी बातें हैं उनको बहर रखेंगे। जी हाँ, भीम आर्मी राष्ट्रीय प्रमुख उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल को पद मुक्त कर दिया। जी हाँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीम आर्मी के पद से मंजीत सिंह नौटियाल जी को पद मुक्त कर दिया है। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहे मिशन के बाद, साथ में भूपेंद्र सिंह सोनवाल। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।